शहडोल जिले के 3 नगरीय निकायों में हुए चुनाव के नतीजों के मुताबिक शहडोल व बुडार में भाजपा बढ़त में रही, तो वहीं जयसिंह नगर में कांग्रेस ने बाजी मारी। शहडोल नगर पालिका, जयसिंह नगर परिषद, बुडार नगर परिषद में चुनाव हुए। तीनों ही निकाय के रिजल्ट शुक्रवार को घोषित हो चुके हैं। 2 निकाय में बीजेपी आगे रही, तो वहीं 1 निकाय में कांग्रेस। इस जीत के बाद बीजेपी ने विजय जुलूस निकाला। निर्दलियों ने भी अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं बुडार व जयसिंह नगर नगर परिषद में बसपा ने भी अपना खाता खोला। इस दौरान एक और रोचक बात देखने को मिली कि एक सीट भाजपा और कांग्रेस के बीच टाई हो गई। इसका फैसला चिट निकाल कर किया गया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। शहडोल जिले के शहडोल नगर पालिका के 39 वार्डों में से भाजपा के 18 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज कराई, तो वहीं कांग्रेस 12 प्रत्याशियों ने भी अपना दमखम दिखाया। इसके साथ ही 9 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत दर्ज कर भाजपा व कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। इसी प्रकार बुडार नगर परिषद 15 वार्डों में भाजपा के 7 पार्षदों ने जीत दर्ज कराई है, तो वहीं कांग्रेस के 4 पार्षदों ने बाजी मारते हुए भाजपा को मुकाबला किया है। इस बीच 3 निर्दलीय पार्षदों ने भी जीत दर्ज करा, भाजपा व कांग्रेस के गले में फांस बन गई है। इसके साथ ही बुडार नगर परिषद में बसपा के 1 पार्षद जीत कर बसपा का खाता खोला। कुछ इसी प्रकार जयसिंह नगर नगर परिषद, ठीक इसके उलट परिणाम सामने आए। 15 वार्डों वाली नगर परिषद जयसिंह नगर में भाजपा के 4 पार्षद जीत कर आए, जबकि कांग्रेस के 7 पार्षदों ने जीत दर्ज कराई। जबकि यह 3 निर्दलीय ने बाजी मारी, तो वहीं 1 बसपा ने भी यहां भी अपना खाता खोला। किस तरह के परिणाम रहे? हम लोग को जो उम्मीद थी वैसे ही परिणाम आए। हम लोग को उम्मीद थी कि सीट और आएंगी, लेकिन मैं जनता जनार्दन को प्रणाम करती हूं कि आपने जो ये नतीजे लाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा शेड्यूल में भी आई है, भाजपा बुढ़ार में भी आई है और जैसी नगर में भी, और हम लोग ही आएंगे परिषद में, ऐसी मेरी सोच है। चुनाव जो है शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसके परिणाम जो है सामने, किस तरह का चुनाव रहा है? चुनाव बहुत ही बढ़िया रहा, शांतिपूर्ण। पूरा चुनाव प्रक्रिया पूरे 1 महीने से चल रहा है, जो एकदम शांतिपूर्ण हुआ है। आज जो है मतगणना की कार्रवाई हो रही थी, जिसमें मतगणना समाप्त होकर प्रमाण पत्र सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को वितरण किया जा चुका है। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया खबर 24 न्यूज चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही ताजा तरीन खबरों की तमाम नोटिफिकेशन अपने मोबाइल फोन पर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।